देश के अंदर वातावरण बना समानता का वातावरण। देवियों कभी कोई समान नहीं होता, गधा घोड़ा एक समान नहीं होता। हाँ, देश के अंदर समता का चिंतन होना चाहिए, पर समानता कैसे आएगी? स्त्री स्त्री है, काव्य में बैठती है, उसका प्रेम, उसका स्नेह, उसकी वत्सलता, उसके गुण है। अगर इसका त्याग कर देगी तो अस्तित्व के होने का कोई अर्थ रह नहीं जाएगा। इसलिए जब ममता का आंचल तेरे ममता के आंचल में तेरी संतानें पल्लवित होती हैं, वो इतनी संतुष्ट होती हैं देवियों कि वो काले धन में कभी तृप्ति तलाशेंगी नहीं। देश में भारी परिवर्तन हो रहा है। भूमि से तो हम महान है ही, भूमिका से भी महान हो जाएं तो मेरा राष्ट्र उसी गौरव को पुनः उपलब्ध हो जाएगा। इतना ही निवेदन करती कि पूज्य महाराज श्री ने अपनी भूमिका निभाई, पाथे लीजिए उनसे। कैसे वो, मैंने पहली बार दर्शन किया, लेकिन कितनी बार उनके बारे में सुना। बहुत बार महाराज श्री ने कहा कि रितंबरा इतनी क्या व्यस्त है, क्यों नहीं यज्ञों में आती? तो मैंने कहा कि इस बार मैं जरूर जाके दर्शन करूंगी। उनकी भूमिका की तन्मयता देखी आपने? एक जंगल में आकर मंगल स्थापित करना, इतना बड़ा नगर बसा देना, 1500 भूदेवों की जो है उनका चलना, उनके मंत्र उच्चारण, उनका भोजन, उनकी चिकित्सा, एक एक सन्यासी वो अग्नि शिखा की तरह होता है जिसके पास बैठने से ही चित्त के तमाम पाप ध्वस्त हो जाते हैं। ऐसे प्रखर जी महाराज, उनके जैसी भूमिका मेरी और आपकी क्यों नहीं हो सकती? एक बात कह के बात पूरी करने जा रही हूँ। अपनी भूमिका में जिस तरह की तन्मयता के साथ प्रवेश किया है, तो पराम्बा भगवती सदै हुई लक्ष्य चंडी महायज्ञ का वो प्रवाह प्रवाहित हुआ, तो राष्ट्र के अंदर भी शुचिता का, स्वच्छता का और भ्रष्टाचार मुक्त समाज का वातावरण बनने लगा। न जाने कितने कितने लोक मंगल कितने कितने लोगों के द्वारा होंगे। चाहे कोई भी अच्छा कार्य करे, उसके पीछे संतों का आशीष होता ही है। ये वह प्रताप है जो चुपचाप अपनी प्रखरता से प्रकाशित हो रहा है। यह वो अनुष्ठान है जो एक जगह बैठ के किया जाता है, पर पूरा ब्रह्मांड उससे अप्लावित होता है। मैं इस निरंतरता को प्रणाम करने आई हूँ, मैं इस सातत्य को नमस्कार करने आई हूँ। नदी लगातार बहती है, बहती है, सागर को मिलती है। सागर कहता है, मैं तो खारा हूँ, तू तो मीठी है, कब तक मुझसे आके मिलती रहेगी? नदी कहती है, जब तक तू मीठा नहीं हो जाता तब तक तुमसे आके मिलती रहूंगी। और कदाचित सागर को हमने देखा, वो इकट्ठा करता है इसलिए खारा रहता है, नदी देती रहती है इसलिए मीठी रहती है, और नालों में तालाबों में जल रुक जाता है इसलिए सड़ने लग जाता है। चिंतन की निरंतरता बनी रहे, कर्म में निरंतरता बनी रहे, देशाटन करने वाला देशाटन करता रहे, धर्म के दीप जगरमगर करने वाला दीप प्रज्वलित करता रहे, यही है वो निरंतरता।